उत्तराखंड विधानसभा का आज विशेष सत्र है और इस सत्र में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अगले 10 साल तक आरक्षण की अवधि बढ़ाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर प्रस्ताव पारित किया जाएगा। सोमवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे का वक्त यहां पर तय किया गया। उधर विपक्ष ने विशेष सत्र में बिजली की दरों, बढ़ोतरी, महंगाई समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। तो आज से उत्तराखंड का विधानसभा का विशेष सत्र जो है वो शुरू होने जा रहा है। कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में पूरी तरह से विपक्ष, तो ऐसे में तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए भी सरकार तैयार। और ब्यूरो चीफ पंकज परवार हमारे साथ जुड़ गए हैं जन जानकारी के साथ। पंकज, विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है, किस तरह की तैयारी? बिल्कुल, तैयारी पूरी है और चाहे कानून व्यवस्था हो, पुलिस व्यवस्था हो, और इसके अलावा जो विधानसभा के अंदर जो सरकार की कार्रवाई होनी है वो भी पूरी तरीके से तैयार है। और आज उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होने जा रहा है। 11 बजे से सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी, तमाम विधायक इसमें पहुंच जाएंगे और इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ है, जिसके तहत विधानसभाओं और लोकसभा में जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के विधायक या फिर उनके लिए जो सीट आरक्षित होनी है वो अगले 10 साल के लिए बढ़ा दी गई है। इसमें एक छोड़ दिया गया है जिसमें एंग्लो इंडियन विधायकों की जो अर्हता है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उनको खत्म कर दिया है। तो आने वाले 2022 में उत्तराखंड में भी कोई एंग्लो इंडियन विधायक जो है वो उत्तराखंड में नहीं बनेगा, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के जरूर बनेंगे। तो इसी कानून को, इसी विधेयक को आज उत्तराखंड विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इसको पास करके केंद्र में भेजा जाएगा, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा से ही पास हो चुका है, लेकिन 30 में से 15 राज्यों को इसको पास करके भेजना है, तो उत्तराखंड विधानसभा इसको भेज रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसे में आज का दिन बेहद चुनौतीपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है इस सत्र की शुरुआत से ही। पंकज, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, इसके अलावा लोकायुक्त ना बनाने का मुद्दा है। लोकायुक्त का जो ड्राफ्ट है वो 100 दिन के अंदर ही, सरकार जब अस्तित्व में आई थी 100 दिन के अंदर ही सरकार विधानसभा के पटल पर रख दिया था, लेकिन तब से अभी तक लोकायुक्त का गठन ही नहीं हुआ है। लोकायुक्त का जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसको लेकर भी आज सदन में विपक्ष हंगामा करेगा और कई मुद्दे हैं। हालांकि खुद विपक्ष बिखरा बिखरा सा नजर आएगा सदन के अंदर, क्योंकि वो उनके खुद के विधायक नाराज हैं इन नेता प्रतिपक्ष से। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या नजारा रहता है वो 11 बजे के बाद आज के जो एक दिवसीय विधानसभा सत्र है उसमें साफ नजर आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे लेकिन पंकज आप विपक्ष के बिखराव की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं चुनौती जरूर होगी सरकार के सामने, लेकिन इसका फायदा भी होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा, ये फायदा ही पहुंचाता है। विपक्ष अगर बिखरा हुआ होता है तो सरकार को फायदा होता है। सरकार अपने जो सरकारी कामकाज हैं वो तो बहुत आराम से निपटा लेती है, और वैसे भी उत्तराखंड विधानसभा में 57 का बहुमत है। 70 की विधानसभा में अगर 57 का बहुमत अगर किसी सरकार के पास होता है तो उसके लिए काम कराना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन फिर भी 11 अगर विधायक हैं कांग्रेस के और वो भी बिखरे बिखरे से हैं तो फिर उससे और भी ज्यादा आसान हो जाता है। तो जिस तरीके के हालात पिछले कुछ समय में बने हैं और एक दूसरे पर बयानबाजियां के तीर चलाए हैं कांग्रेस के विधायकों ने और नेता प्रतिपक्ष पर खास तौर पर, तो उससे साफ नजर आता है कि विधानसभा सत्र के अंदर भले ही विपक्ष सरकार को घेरने की बात कर रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं के विधायक नेता प्रतिपक्ष को घेरने की कोशिश करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।